अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ ब्रेड रोल। तो उसके लिए मैंने ये पटेटो को बॉईल कर लिया, उसको मैश कर लिया है, उसे हम एक बोल में ऐड कर लेंगे। ये मैंने बॉईल चिकन को श्रेड कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। ये मैंने शिमला मिर्ची को छोटे छोटे पीस में चॉप कर लिया, इसे भी ऐड कर देंगे। ये मैंने गाजर को श्रेड कर लिया था, इसे भी ऐड कर देंगे। ये मैंने लहसुन को ग्रेट कर लिया है, इसे पीसना नहीं है, ग्रेट करके डालना है खुरच कर। हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर, आप चाहो तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हो। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। ये मैंने ड्रीमरी का चीज़ ब्लॉक यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करिएगा। तो ये चीज़ ब्लॉक को हम इसमें ग्रेट करके ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे ऐसे मिक्स कर लिया है, हमारी चिकन चीज़ ब्रेड रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। ये मैंने सारे ब्रेड के एजेस कट कर लिए, किनारों को आप चाहो तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने कट कर लिया है। अब हम ये ब्रेड को हल्का सा पानी में डिप करेंगे, ज़्यादा नहीं करना वरना हमारा ब्रेड टूट सकता है, हल्का सा डिप करना है और इसे प्रेस करना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इस तरह से हमें इसे प्रेस करना है, फिर हमारा थोड़ा सा फिलिंग लेंगे और ब्रेड के बीच में रख के हमें ब्रेड के कॉर्नर को बंद करना है। आपको ब्रेड के चारों साइड्स को बंद करना है, अपने हाथों से बस प्रेस करना है, वो खुद शेप में आता रहेगा। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको हाथ से स्लो स्लो ऐसे प्रेस करना है, बस ऐसे ही। रेडी हो गया हमारा एक रोल। मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ, पहले हल्का सा डिप करना है, फिर इसका पानी निकाल लेना है प्रेस करके, फिर थोड़ी सी फिलिंग रखनी है और इसे चारों साइड से बंद कर लेना है और अपने हाथों से प्रेस करना है ताकि ये शेप में आ जाए। बस इसे हल्के हाथ से प्रेस करते रहना है, धीरे धीरे ये बन ही जाएगा। देखिए कितना अच्छा से बन गया है, हमारा दूसरा रोल भी रेडी है। ऐसे ही हम सारे रोल को कर लेंगे। देखिए मेरे सारे रोल रेडी है, तेल गरम हो गया, अब हम इसमें रोल्स को ऐड कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, एक तरफ से गोल्डन होने के बाद हम ब्रेड रोल को टर्न कर लेंगे। हमारा ब्रेड रोल चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारे रोल कितने अच्छे से फ्राई हो गए, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। अब बाकी के रोल्स भी ऐड कर देंगे।
इसे भी गोल्डन होने के बाद टर्न कर लेना है। ये रोल्स भी रेडी हो गए, ऐसे भी निकाल लेंगे। हमारा चिकन ब्रेड चीज़ रोल रेडी है, बहुत ही क्रंची बना है, बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।